मालवा नगर में भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य संतोष पारिक ने छात्राओं से द केरला स्टोरी फिल्म देखने की अपील की है। बुधवार को सिवनी मालवा के शासकीय कुसुमा विद्यालय की छात्राओं को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सहित युवा मोर्चा नगर मंडल प्रभारी सूरज मिश्रा के द्वारा छात्राओं को द केरला स्टोरी फिल्म निःशुल्क दिखाई गयी एवं अन्य सभी छात्राओं से फिल्म देखने की अपील भी की गयी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व कार्यकर्ता सहित भाजपा पदाधिकारी भी द केरला स्टोरी फिल्म देखने के लिए गीता टॉकीज पहुंचे थे। फिल्म शुरू होने से पहले युवा मोर्चा नगर मंडल प्रभारी सूरज मिश्रा ने इस फिल्म को छात्राओं को दिखाने के लिए स्कूल संचालकों से भी अपील की है। विद्यार्थी परिषद नगर छात्र मंत्री सत्यम तिवारी ने मौजूद छात्राओं को बताया कि आज विद्यार्थी परिषद ने ये फिल्म दिखाई है, सभी बच्चियां इसे जरूर देखें। बच्चों को ये फिल्म देखने से उन्हें उनकी सभ्यता और संस्कृति, नैतिकता और उनका अनुशासन बना रहे और बच्चियां गलत कदम उठाने से बची रहे। छात्राओं को संबोधित करते हुए प्रदेश कार्य समिति सदस्य संतोष पारिक ने कहा कि जो फिल्म आई है द केरला स्टोरी, इस फिल्म को आप लोग जरूर देखें। केरला स्टोरी को सभी बच्चियां जरूर देखें। आपस में छोटी छोटी बच्चियां एक दूसरे का मानसिक परिवर्तन करने में सहायक हो रही हैं। इस फिल्म में यही दिखाया गया है। आपको बता दें कि द केरला स्टोरी फिल्म को सिवनी मालवा में बच्चियों को दिखाने के लिए प्रतिदिन कई सामाजिक एवं हिंदूवादी संगठन आगे आ रहे हैं, जिससे कि छोटी छोटी बच्चियों को जागरूक किया जा सके। बता देना चाहता हूँ, ये वही भारत है जहाँ कहा जाता है अत्र नारेस्ते पूजन्ते नारेस्ते रमन्ते, अर्थात जहाँ नारियों की और बहन बेटियों की पूजा की जाती है वह मेरा भारत। और जहाँ आप देख रहे हो क्या हो रहा है, इससे आपको सीख बहुत सी चीज सीखने को मिलती है। सीखना चाह रहे हो ना इससे? एक चीज ये नहीं है कि हम आपसे सिर्फ यही बोल रहे हैं लफ्जियात से दूर रहो, लेकिन अब इसको देखने के बाद अपने अधिकार के लिए लड़ो कि इसके लिए कोई नया कानून बनाया जाए कि हमारी बहन बेटी सुरक्षित रहे, किसी बहन बेटी के साथ कोई दुर्व्यवहार ना करे। तुमको ही लड़ना है, क्योंकि ये वही भारत है जहाँ रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीर वीरांगना पैदा हुई है। भूलना मत, क्योंकि हर व्यक्ति जिस चीज के पीछे भागता है वो है पैसा, और उसे भी हम माँ लक्ष्मी कहते हैं। माँ लक्ष्मी कहते हैं, और जिस देश में रह रहा है वो भी एक माँ है, भारत माँ है। इसलिए हमें अब अपने अधिकार के लिए लड़ना है और भारत सरकार से मांग करनी है कि रेपिस्ट के लिए कड़े से कड़े कानून का प्रबंध करें, जिससे कि वो बहन बेटियों की तरफ देखने से पहले 100 बार सोचें। चाहते हो कि नहीं? चाहते हो ना? क्योंकि एक कहावत कही जाती है कि सत्ता है पत्थर की लकीर, इंसानियत कैसे जागेगी, और सीता लुटती रहे रोज पर सत्ता नहीं जागेगी, पर सत्ता नहीं जागेगी। लेकिन इसको अब बदलना है। बोलो बदलोगे? क्योंकि शुरुआत छोटे से होती है, यहां से शुरू होगी, पूरे भारत तक जाएगी। लेकिन अब कोई कानून चाहिए जिससे मेरी बहन बेटियां इस देश में सुरक्षित रहे। अपन सेफ है, लेकिन अपन को नहीं पता कहां कौन सी बेटी के साथ क्या हो रहा है। आज पिक्चर को देखा, ये नहीं कि 2 दिन भावुक रहो और भूल जाओ। इससे सबक लेना है हमको कि कैसा किसी चीज को बहलाया जाता है, कैसे ब्रेन को वॉश किया जाता है, और कैसे अपने साथ बुरा कर्म किया जाता है। तो मेरे साथ बोलोगे भारत, बोलो बोलो भारत माता की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। किस तरह का आयोजन हुआ है आज? आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा द केरला स्टोरी सूरज भैया के सहयोग से एवं समस्त लोगों के सहयोग से बच्चियों को जागरूक करने के लिए दिखाई जा रही है, और जिस प्रकार हमारे सनातन संस्कृति को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है एवं सनातन परिवार को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, तो हम बच्चियों से निवेदन करते हैं इसे अधिक से अधिक संख्या में देखें एवं सनातनी बने रहें। जय श्री राम। आज किस तरह का आयोजन किया गया है? आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा एवं हमारे नगर मंत्री सत्यम तिवारी द्वारा कुशुम महाविद्यालय की समस्त छात्राओं और बहनों को द केरला स्टोरी दिखाई जा रही है, ताकि उनकी उनके अंदर आज उनकी मानसिकता चेंज हो, आज उनको लोगों की मानसिकता का पता चले कि किस तरीके से लव जिहाद चलाकर लड़कियों के साथ गलत भला फुसला का गलत किया जाता है, उनके साथ छेड़छाड़ की जाती है, उनके उनकी जिंदगी से खिलवाड़ किया जाता है। इसी जागरूक इसे इन्हीं सबको जागरूक करने के लिए द केरला स्टोरी बनाई गई है, जिससे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी सब इसके लिए अनुरोध कर रहे हैं सबसे कि आप आइए ये मूवी देखिए,
तो समस्त हमारे विद्यार्थी परिषद और हम लोगों के द्वारा ये मूवी समस्त बहनों को दिखाई जा रही है और सभी से अनुरोध है कि आप सब भी अपने अपने घर में अपनी अपनी बहनों को, अपने पड़ोसी बहनों को, माताओं को ये मूवी दिखाई जाए और उनके दिमाग में ये चीज बिठाई जाए कि किस तरीके से कुछ कट्टरपंथी अपने लव जिहाद चलाते हुए अपनी माताओं और बहनों को भल्ला पुछला कर उनके शरीर के साथ खिलवाड़ करते हैं। बस यही सब दिखा। किस तरह का आयोजन किया गया है? लव जिहाद को लेकर ऐसी बिटिया जिनको भेला फुसला कर उनके साथ जुल्म जाति जो हो रही है उसको लेकर जो केरला मूवी जो बनी है उसमें वास्तव में बहन बेटियों को भेला फुसला कर उनके साथ जो जुल्म जाति है, उनके साथ जो बलात्कार अत्याचार हो रहा है उसके चित्रण किया गया है। तो हमारे देश की अन्य बहन बेटियां ऐसे भी किसी कुचक्र में ना फंसे उसके लिए बेटी बचाओ भी और बेटी पढ़ाओ भी इसको अभियान को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आज बहनों के लिए केरला मूवी दिखाने का एक अभियान लिया है। मैं अपनी ओर से उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। ये वास्तव में मातृशक्ति के लिए, नारी शक्ति के लिए एक अच्छा कदम है और मैं आह्वान भी आपके चैनल के माध्यम से करता हूँ कि विद्यार्थी परिषद अन्य संगठन भी इस अभियान में लगे हैं, लेकिन ये अभियान जन का अभियान होना चाहिए, ये अभियान सबका अभियान होना चाहिए। उसके लिए हम सब लोग मिलकर अपने परिवार में, अपने अड़ोस में, पड़ोस में सब लोगों को ये मूवी दिखाएं और ऐसे जो लोग हैं जो इस प्रकार का चक्र चलाकर बहन बेटियों को भेला फुसला कर उनकी इज्जत, उनकी आबरू, उनके मान सम्मान के साथ खेलते हैं, ऐसे लोगों को बेनकाब भी करना और ऐसी चीजों से बचना बचाना ये संकल्प लेकर ये अभियान ये मूवी को देखेंगे और उससे अपने जीवन में ये धोखा ना हो किसी बहन बेटियों के साथ, ऐसा गलत कुछ अगर किसी बहन बेटी के साथ ना हो, ये संकल्प लेने का काम है, उसके लिए ये मूवी दिखा रहा हूं।